ये अभी इसका लगा रहे हैं पान, यहाँ पे इसका पान चेक करें माशाल्लाह से। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा प्लान है कुछ इस तरह का, जो कि मैंने दो तीन दिन पहले भी बताया था हम लोगों ने बनाना है 12 तावा या 6 तावा। तो फाइनली तीले हमें मिल चुके हैं 12 तावे के भी और 6 तावे के भी। तो आज हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं शॉप पे हूँ अभी अकेला हूँ, आप देख सकते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड वगैरह हैं वो आ जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना मैं नहीं बना सकता, क्योंकि वो हेल्प करेंगे तो मैं बनाऊंगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ तीले, ये आप देख लें, ये 12 तावे के और 6 तावे के तीले पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज हमने मेकिंग करनी है 12 तावे की, ये 6 तावे की। फिर कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा प्लाइट बनाएं और आपको बना के भी दिखाएं और फ्लाई करके भी दिखाएं। तो बस दोस्तों का इंतज़ार है, वो आ जाएं तो पेपर वगैरह भी लाते हैं। ये शीट में बनाएंगे या पेपर में बनाएंगे, तो देखते हैं आज हमसे क्या चीज़ बनती है। दोस्त वगैरह तो हमारे अभी तक आए नहीं है, तो फाइनली मैंने सोचा पार्सल हैं कुछ वो पैक कर लूँ। ये पहले पार्सल पैक करता हूँ अफगानी बुराक का, ये हमारे भाई हैं तलागंग से, उनका पार्सल है। उसके बाद एक और पार्सल है वो भी पैक करते हैं। काइट तो बनाएंगे, कोई दोस्त आएगा तब भी। फिलहाल मैंने सोचा पार्सल वगैरह ही पैक कर लूँ, ये काम भी तो ज़रूरी है। फाइनली पार्सल वगैरह तो पैक हो चुका और मैं और शेरू जा रहे हैं पार्सल देने। तो ये फारा चौक से हम जा रहे हैं पार्सल वगैरह दे के, गुड़े की शीटें वगैरह खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, शीटें वगैरह खरीद के जाते हैं शॉप पे, तो फिर इंशाल्लाह बनाते हैं हम बड़ा काइट। तो जी फाइनली हम पेपर शॉप पे पहुँच आए हैं, तो पेपर वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किए शीट्स, एक ये वाइट पेपर सेलेक्ट की और ये दो शीट्स हैं रेड एंड ऑरेंज कलर की। इसका शायद बना लें हम 6 तावा और इसका शायद बना लें 12 तावा। तो अभी डिसाइड करते हैं, पहले ले लें तो फिर इंशाल्लाह डिसाइड करते हैं किसका कौन सा गुड्डा बनाना है और किसका कौन सा। तो फाइनली पेपर वगैरह तो हमने खरीद लिया, जो कि ये शेरू के पास पकड़ा हुआ है। शीट्स भी लूँ ऊपर डिजाइनिंग के लिए, ग्लू वगैरह भी ले ली है। तो बस चलते हैं शॉप पर, जाके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम दुकान में पहुँच आए हैं और ये शेरू साहब पेपर खोल रहे हैं। ये जो शीट है इसका हम करना है इस गुड्डे के ऊपर डिज़ाइन, और ये आ गई कली, इसके साथ हमने बनाना है 6 तावा, और ये आ गया पान 12 तावे का, और ये 12 तावे के लिए आ गया वाइट पेपर। हमने बोला वाइट कलर में बनाएंगे, जो कि थोड़ा मज़ा भी करे, जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी अच्छी लगे। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, तो फिर आपको साथ साथ बताते हैं। जी हाँ, तो गाइस ये सानी भी 12 तावे 12 तावे के लिए ये सानी भी पेपर वगैरह जोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 3 पेपर जोड़ चुके हैं और ये 12 तावे के तीले पड़े हुए हैं। तो ये सानी भी जोड़ रहे हैं अभी पेपर वगैरह जोड़ के, फिर कटते हैं कटिंग, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर तीला वगैरह लगा कर डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। जी तो ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, मेरे ऊपर बार बार किलो लगा रहे हैं। हाय 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 हाय, शशके चेक करो जरा पेपर के, ये सानी भी जरा चेक करें, थक भी गया है यहाँ पेपर जोड़ जोड़ कर। ये सान भाई भी अभी आए हुए हैं, सोए हुए आए हैं। तो फाइनली गाइस पेपर वगैरह तो हमने जोड़ दिया और ये सानी भी अभी कटिंग करने लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेपर, यार सही शशके वाला गुड़ा बनेगा ये आज। हाँ तो ये फाइनली सानी भाई, ये देख ले सकते हैं आप, ये कटिंग कर रहे हैं। जी सानी भाई कैसा लग रहा है आपको गुड़ा बनाते हुए? अच्छा लग रहा है भाई, कटिंग देखो ना कैसी हुई। ये कटिंग यार मस्त की हुई है, फुल मस्त, मुझे मस्त मॉल में जीने दे ये चीज यार। बहुत ही लेवल की कटिंग की है यार आज मेरे भाई सानी ने, यार मजा आ गया यार। ये देख सकते हैं आप, फाइनली शॉप से उसे उठा के ले आए हम लोग, क्योंकि वहाँ पे से कमान वगैरह नहीं लगनी थी, सेंटर तीला हमने लगा दिया इसे। तो अभी इसकी कमान वगैरह यहाँ पे हम लगाते हैं। ये अरसलान भाई इसका पान वगैरह बना रहे हैं और ये इसके ऊपर डिजाइनिंग वाला पेपर है। तो इंशाल्लाह इसे जल्द से जल्द कम्प्लीट करते हैं, अगर टाइम बचा तो आज ही उड़ाएंगे, नहीं तो इसे एक फ्लाई हम कल करेंगे। तो फाइनली गाइज ये सानी भाई ने इसकी एक तरफ से कमान लगा दी है और ये अजान भाई ने भी पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से ये लगा रहे हैं, ये गम वगैरह लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी कमान लगा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हमारा 10 तावा 12 तावा जो के अभी तैयार होने में कुछ ही मिनट रह गए हैं, इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा। तो फाइनली गाइस सानी भाई ने धागा फेर दिया है एक साइड से और दूसरी तरफ लगे हुए हैं, वो कटिंग कर रहे हैं, साथ साथ धागा भी फेर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा गुड्डा। तो इसके बाद इंशाल्लाह डिजाइनिंग करनी है और इसका पान वगैरह लगाना है, फिर आपको बताएंगे कि कैसा बने।
धागा वगैरह भी लग गया, सब कुछ लग गया। अभी इसका लगा रहे हैं पान, या आप इसका पान चेक करें माशाल्लाह से। पान के बाद जिसकी आप लोग देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है आज, जो कि हमने खुद मेहनत की है, हमने खुद मेहनत किया है और हमारे खुद के हाथ की मेहनत से ये भी अनकम्प्लीट है। पान लगाते हैं फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा और डिजाइन वगैरह करते हैं। इंशाल्लाह आज मजा करेगा हमारा, बड़ा दावा उड़ नहीं सकता आज क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है और ये डिजाइनिंग में भी थोड़ा और टाइम लगने है। इंशाल्लाह भी ये पी चीज बनाएंगे। तो फाइनली गाइज इसकी डुम्ब वगैरह मैंने पान वगैरह लगा दी है, तो शाम भी होने वाली है, मगरिब का टाइम होने वाला है। फ्लाई से हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये बिल्कुल अनकम्प्लीट है, ये आप देख सकते हैं। ये पान वगैरह इसका पेस्ट हो गया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे, तो डिजाइनिंग करते करते हमें रात हो जानी है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मेरे चैनल को आप लोगों ने जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह कल इसे कंप्लीट करके आपको फ्लाई करके भी बताएंगे। ये इसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं डेकोरेशन की, तो ये अभी इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे प्यारे से प्यारा डिज़ाइन बनाएं। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल इसको फ्लाई करके दिखा के। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।